रातों में अपने अश्क बगाता रहा कोई। बस इसी तरह सुने भाई। रातों में अपने अश्क बगाता रहा कोई, रातों में अपने अश्क बगाता रहा कोई, रातों में अपने अश्क बगाता रहा कोई, बगाता रहा कोई, हर बार दिल को तोड़ के जाता रहा। शबा साहब, नफरत थी इस कदर के लहू से जमीन पर। अब ये नफरत किस तरह से मैंने पेश करी मौलाना फरमाए, नफरत थी इस कदर के लहू से जमीन पर, नफरत थी इस कदर के लहू से जमीन पर, लहू से जमीन पर, लिख करके मेरा नाम मिटाता रहा। मसला नहीं कि किसने कहा और क्या कहा, मसला नहीं कि किसने कहा और क्या कहा, मसला नहीं कि किसने कहा और क्या कहा, और क्या कहा, सुनता रहा कोई तो सुनाता रहा कोई, सुनता रहा कोई तो सुनाता रहा कोई, सुनता हर बार दिल को तोड़ के जाता रहा कोगी, रातों में अश्क अपने बगाता रहा कोगी। और एक शेर तमाम लोगों से तवज्जो के साथ, मैं शहबाज साहब अर्शद मिश्रा जी, ये शेर देखिए, इसमें शहर खामोशा का मतलब होता है कब्रिस्तान। एक शेर मैंने अपने हवाले से इस गजल का जो बैतुल गजल शेर है वो मैंने कहा है, तमाम लोग देखे कुछ इसमें हो तो बिल्कुल दुआओं से नवाज दें। हर बार दिल को तोड़ के जाता रहा कोगी, गुजरा कभी जो शहर खामोशा की राह से, गुजरा कभी जो शहर खामोशा की राह से, गुजरा कभी जो शहर खामोशा की राह से, खामोशा की राह से, एहसास जिंदगी का कराता रहा कोगी, एहसास जिंदगी का कराता रहा कोगी, एहसास जिंदगी का। और एक जगह होती जहां से जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता है, मैं इस शेर का मुल्क करना, उसने जानिब दुनिया नजर करी, मुड़ करना उसने जानिब दुनिया नजर करी, दुनिया नजर करी, रोकर सदाए देखे बुलाता रहा कोगी, रोकर सदाए देखे बुलाता रहा कोगी, दस्ते करम जो माने मेरे सर पे रख दिया, दस्ते करम जो माने मेरे सर पे रख दिया, मुझको बुलंदियों पे उठाता रहा कोगी, मुझको गलती कभी नहीं दिखती। उनके लिए मैंने एक शेर कहा है, क्यों नहीं भाई, पर्टिकुलर किसी के लिए, एक इंसान में कहीं ना कहीं अपनी खामी होती है, लेकिन उसे देख ले उस दिन वो कामयाब हो जाएगा। मुल्ला फरमाया, एहसास जिंदगी का कराता रहा कोगी, कहता रहा वो खुद को बचाने के वास्ते, कहता रहा वो खुद को बचाने के वास्ते, ठोकर लगा
महसूस। दावर लिबास यार में कातिल को देख कर, दावर लिबास यार में कातिल को देख कर, खंजर जिगर पे शौक से खाता रागा कोई। और यहां से मैं इसकी आखिरी गजल पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए, जिंदगी को हम अपनी मौत सा बना बैठे, जिंदगी को हम अपनी, जिंदगी को हम अपनी मौत सा बना बैठे, दिल का गा लगाना था, दिल का गा लगा बैठे, दिल का गा लगा लगाना था। और थी तलब उजाले की, शौक तो जरा देखो, थी तलब उजाले की, थी तलब उजाले की, शौक तो जरा देखो, रोशनी के चक्कर में आशिया जला बैठे। इस दावे से बिल्कुल हट करके एक मैंने हकीकत कही है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई इस बिसात नहीं कि मैं किसी को कुछ कह सकूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ कही है। आजकल का माहौल जो चल रहा है, अगर हाथ में आपके कलम है तो आपके कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती कि आप उस मौजू पर, उस मफहूम पर ज़रूर लिखें जहाँ तक, लेकिन आपको अपनी हद में रह करके लिखना है, अपनी हद से बाहर नहीं जाना। मैंने कुछ चीज़ कही, शहबाज भाई, हर्षित भाई, शेर देखें। दिल का गा लगाना था, दिल का गा लगा बैठे, हक में बकरियों के अब फैसला ना आएगा, हक में बकरियों के अब, हक में बकरियों के अब फैसला ना आएगा, भेड़िए अदालत की कुर्सियों पे जा बैठे, अदालत की हक में बकरियों के अब फैसला ना आएगा, भेड़िए अदालत की कुर्सियों पे जा बैठे, भेड़िए अदालत की। और इस गजल का आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं, सुन के आंख में आंसू आ गए हैं पत्थर के, सुन के आंख में आंसू, सुन के आंख में आंसू आ गए हैं पत्थर के, यार ये गजल अपनी हम कहां सुना बैठे। या मक्ता मुलाजा फरमाए, खूब गए पता तुमको वो यहाँ ना आएगा, खूब गए पता तुमको, खूब गए पता तुमको वो यहाँ ना आएगा, फिर बताओ क्यों दावे तुम गली से